5 सितंबर से बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन के प्रभारी सुब्रत पाठक से खास बातचीत की, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करने जा रही है और सभी 403 विधानसभा पे किया जाएगा, जिसका आगाज 5 सितंबर से सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से करेंगे। इसके प्रभारी बना गए हैं सुब्रत पाठक जी, जो कन्नौज से सांसद हैं, इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 5 तारीख से जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी और कैसे एक पहल होगा? ये 5 तारीख से 20 सितंबर तक सभी 403 विधानसभा प्रकार का प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, और इससे प्रबुद्ध सम्मेलन में समाज का जो भी एक प्रबुद्ध वर्ग है, जिसकी वॉइस नीचे तक सुनी जाती है, ऐसे वर्ग को हम लोग, जिसमें अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, और भी जो हमारे समाज में आने वाले बड़े व्यापारी हैं, इस प्रकार से बड़े वकील हैं और प्रोफेसर हैं, तो इस समाज का एक जो उच्च प्रबुद्ध वर्ग है, लेखक हैं, कवि हैं, तो इस प्रकार से इनको, इनके बीच में जाकर अपने पार्टी के द्वारा सरकार के काम उनके बीच में रखना, और उसके बाद आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर उनसे चर्चा करना, और आगे हमारा रोड मैप क्या हो, इसको लेकर भी उनके सुझाव लेना, इसको लेकर एक प्रबुद्ध जनों के बीच में जाना है, वो इस प्रकार के कार्यक्रम है। अरे, ये माना जा रहा था कि जो आगामी 2022 का चुनाव कुछ महीने बाकी रह गए हैं, एक पर्टिकुलर एक वोट बैंक के लिए जो करीब 15% माना जाता है कि इनको ब्राह्मणों से भी जोड़ा जाता है, इसको देख के माना जा रहा है कि ये जो प्रमुख सम्मेलन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है वोट बैंक उसको साधने भी रहा है। देखो, कुछ लोग ब्राह्मण को जाति मानते हैं, हम लोग चूंकि जात की राजनीति करते नहीं हैं, तो वह हम लोग मानते हैं कि जो बोलते हैं पहले पंडित कौन, मैंने जो पढ़ा लिखा है वो पंडित है, मैंने वो ज्ञानी है, तो कुल मिलाकर ज्ञान कोई जाति से नहीं आता है, तो किसी के पास भी हो सकता है, तो किसी भी जात में, हर जात में आपको प्रबुद्ध लोग मिल जाएंगे। अब मैंने कोई डॉक्टर है उसकी किस जाति है कोई पता नहीं, लेकिन डॉक्टर है तो प्रबुद्ध है तो ही तो हुआ, तो इस प्रकार से ये कोई अधिकारी है वो किसी भी जात समाज से आया हो, वो पढ़ लिख कर ही तो यहाँ तक पहुँचा है, तो कुल मिलाकर एक ज्ञानी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, और ये प्रबुद्ध लोग, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, और जो राष्ट्र में रहने वाले किसी जात समाज में पैदा हुए प्रबुद्ध लोग प्रबुद्ध हैं। अच्छा, ये भी देखा गया था कि कई पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, बसपा लगातार सतीश चंद्र मिश्रा एक प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, हालांकि इसका पहले नाम ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था, उसके बाद उसको प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया। 7 तारीख को मायावती जी जो हैं बसपा सुप्रीमो, वो भी इसको कर रहे हैं, तो क्या देखा जाए कि बसपा इस बार बीजेपी से थोड़ा सा आगे निकल गई इस सम्मेलन को लेकर? देखो, कुल मिलाकर वो जाति की राजनीति, उनको मुबारक, वो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, और इसीलिए अब चूंकि अब जात के नाम पर सम्मेलन हो नहीं सकते, चुनाव आयोग का इसके ऊपर हंटर है, तो इसलिए वो नाम उसका बदले होंगे। आपने देखा कि किस तरीके से प्रबुद्ध पाठक जी बताए थे कि प्रबुद्ध जो से मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो विद्वान हो गए, जो पढ़े लिखे समाज है उसको लाना है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, हालांकि विपक्ष इसको किसी और रूप से देखता है। देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन है ये किस करवट बैठता है। लखनऊ से कैमरामैन अमित सहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया।